पालन एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण सेमिनार का हुआ आयोजन। वसुधा गांव में खुला दुग्ध खरीदी केंद्र, नारी शक्ति को मिलेगा स्वरोजगार योजना का लाभ। सतना, किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रूपेश बांगरी के गृह गांव वसुधा में महावीर मिल्क प्रोडक्ट की मशीन स्थापित कर दुग्ध उत्पादों को गांव में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई। नारी शक्ति को स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित कराने हेतु दुग्ध खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण इलाकों की जनता पशुओं को अपना धन समझते हुए उनकी देखभाल करे तथा पशुओं से होने वाली आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए बकायदा कृषि विकास खंड अधिकारी के समक्ष स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। जैविक खेती के लिए गोबर का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। गांव में दुग्ध उत्पाद को बढ़ाने मिले तथा अच्छी कीमत पर दुग्ध खरीदी कैसे संभव हो, इसका मतलब बताया गया। वर्तमान विधायक का गृह गांव वसुधा होने के बावजूद भी स्थानीय विधायक की तरफ से गांव की नारी शक्ति को स्वरोजगार योजना के तहत कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे फायदा यह है कि फर्स्ट बात तो यहां के गरीब किसानों को रोजगार मिल रहा है, पहली चीज। दूसरा, मार्केट मिल रहा है। मार्केट, आप कितना भी दूध तैयार करिए, हमारा मतलब महावीर मिल्क प्रोडक्ट आपको मतलब दूध खरीदने के लिए तैयार है और अच्छे रेट में खरीदने के तैयार है। जो पहले 30 रुपये 32 रुपये लीटर बेचते थे, आज वो 50 और 60 रुपये बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है किसानों के लिए। किसान, हमारा किसान कामगार मोर्चा जो है दुग्ध उत्पादन, मशरूम उत्पादन, औषधि खेती और जैविक खेती के क्षेत्र में क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर के काम कर रहा है। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम किसी व्यक्ति, महापुरुष, जात, धर्म एवं संगठनों की, राजनीतिक दलों की आलोचना प्रशंसा किए बिना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, युवा, महिलाओं की आवाज़ ऐसे उठाएं जिससे एक निश्चित समाधान हो सके। तो हम समस्याओं के समाधान की पहल करना चाहते हैं। उसी पहल के तहत हम दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महावीर मिल्क प्रोडक्ट के साथ में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं।